स्वागत है आप सभी का जी न्यूज के खास शो गेम ऑफ गुजरात में। और गेम ऑफ गुजरात की टीम आनंद पहुंच चुकी है। आनंद, जी हाँ, आनंद में ही आनंद है, नाम में ही आनंद है, और जब से हम यहाँ पर आए हैं आनंद ही आनंद है। केम छो, जी हाँ, बहुत खुश है यहाँ के लोग आनंद के। आनंद के बारे में आपको बताएं, इसको मिल्क कैपिटल कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जो आगाज हुआ था भारत में, वो कुरियन साहब ने यहीं से दूध की नदियां बहाई थी। इसके अलावा पटेल की विरासत को लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके, इसको लेकर सियासत हो रही है। हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पैतृक गांव है करमसद, वो भी यहीं पर है। इसके अलावा अगर आनंद की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है। देखिए, सियासी गणित समझना बहुत जरूरी है आनंद का, क्योंकि ये सियासी चर्चा आज हम करेंगे। 7 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है इसको। 4 कांग्रेस के पास, 2 बीजेपी के पास और 1 एनसीपी के पास है, जो कि जयंत पटेल, यहाँ से वो भी कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ के ऐतिहासिक महत्व की, सियासी गणित की। और अब आज के मुद्दे। राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ चर्च का फतवा क्यों? जो पत्र पादरी महोदय ने जारी किया है, उसमें कहा है कि देश में चिंता की बात यह है कि राष्ट्रवादी ताकतें बढ़ रही है और इनको पराजित करना है। इससे अंदाज़ा लगता है कि वो किस मानसिकता के लोग हैं, और ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब होना चाहिए। उनको सबसे बड़ा ऐतराज़ यही है कि ये इसी प्रकार की विचारधारा के लोग अगर सत्ता में आएंगे तो कन्वर्शन की दुकान बंद होगी, और इस वजह से ये लोगों ने बवंडर खड़ा करना शुरू कर दिया है। चर्च की चिट्ठी से चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की साजिश। सब प्रार्थना करें या मुस्लिम लोग इबादत करें, कुछ भी करें, लेकिन परिणाम पहले से ही स्वयं सिद्ध है कि भाजपा के सिवा कोई अन्य पक्ष यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। प्रार्थना करें, लेकिन अच्छी गवर्नमेंट तो अभी भी है ही यहाँ पे गुजरात में, आगे भी हम लोग दुआ करेंगे यही लोग वापिस आए और अच्छे से काम करें। काफी लोग माइनॉरिटी यहाँ पे रहते हैं। चर्च की चिट्ठी से गुजरात को डराने की कोशिश क्यों? चुनाव के वक्त इस प्रकार के पत्र जारी करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। ये उसी प्रकार के लोग हैं जो अवार्ड वापसी करके भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, आज़ादी आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग, इस मानसिकता के लोग देश में जो राष्ट्रवादी ताकतें बढ़ रही है उससे चिंतित हैं। ये सीधा सीधा इल्लीगल एक्ट है। एक तरफ कहना कि हम लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और दूसरी तरफ ये करना कि राजनीतिक बयानबाजी करना, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। रिलीजन के ग्राउंड पे या रेस के ग्राउंड पे, कम्युनिटी के ग्राउंड पे अगर वोटर्स पे प्रभाव करने की कोशिश करें, उसके लिए इंडियन पिनल कोड में प्रोविजन है और उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च की जा सकती है। गेम ऑफ गुजरात आनंद से लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वैसे जो गरबा है वो गुजरात की पहचान है, लेकिन जब आनंद में हम हैं तो ये आनंद का आनंद है। और जब गरबे की बात होती है तो देखिए, कुछ बीजेपी की कार्यकर्ता भी थी, कुछ कांग्रेस की भी, लेकिन राजनीतिक मतभेद पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं जब गरबे की बात होती है। इस पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवादी ताकतों से बचने की क्या जरूरत है, तो गौरव होने वाली बात है। देखिए, 4 खास मेहमान मेरे साथ है। सबसे पहले बीजेपी से इंट्रोड्यूस करा दूं, मेरे साथ रोहित पटेल हैं जो कि सरकार में उद्योग मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित पटेल साहब। मेरे साथ राजेश पटेल जो कि बीजेपी का ही पक्ष रखेंगे। 2 आवाज बीजेपी से, 2 ही आवाज कांग्रेस से है। कांग्रेस से मेरे साथ कांति भाई परमार हैं, जिला अध्यक्ष हैं। मेरे साथ मनोहर सिंह परमार हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल है सर, राष्ट्रवादी होना गुनाह कैसे हो गया? ये जिस तरह की अपील की गई है कि राष्ट्रवादी ताकतों से बचें, आप भी विरोध करते हैं इसका? बेशक विरोध करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चेक कीजिए कि ये बीजेपी की कोई साजिश तो नहीं है। ये जो लेटर है आपके सवाल में, आपका जवाब है जी। जब जब इलेक्शन आता है, जब जब इलेक्शन आता है,
तब तब धर्म और मजहब के नाम लेके भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती, क्योंकि उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उसका विकास तो बौखला गया, पागल हो गया। मैं इस समय ना धर्म क्या है, कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा। राजेश जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। मैं इस समय सुनिए, देखिए मैं गुजरात में हूँ, यहाँ जो शुरुआत हुई बहुत प्यार से हुई। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, कौन है जो जहर घोल रहा है, कौन है जो लोगों को डरा कर वोट ले रहा है, कौन है जो कह रहा है कि राष्ट्रवादियों से बचें। राष्ट्रवादी होना गुनाह तो नहीं है ना सर? नहीं है, बेशक गुनाह नहीं, गुनाह नहीं है, नहीं, राष्ट्रवादी ही होना चाहिए। और राष्ट्र को आजादी कांग्रेस ने दिलाई, सबसे बड़े राष्ट्रवादी हम है, सबसे। अब सुन लीजिए, डंके की चोट पे कहते जो राम का नाम लेके जो वोट मांगते हैं, जो लोट लेने के लायक नहीं है, सबसे बड़े राम भक्त हम है। गांधी जी को गोली लगी थी तब हे राम बोले थे, आजादी की लड़ाई में एक आदमी ने गोली नहीं खाई। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, देखिए आपके मुंह से माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के मुंह से राष्ट्रवाद पर भाषण अच्छा नहीं लगता, क्यों सुनिएगा। देखिए एक मिनट सवाल पूछने दीजिए, एक मिनट सवाल। इसलिए क्योंकि अभी अहमद पटेल से जुड़े जो अस्पताल से आईएसआईएस के कुछ लोग पकड़े गए थे, नंबर एक, पी चिदंबरम की तरफ से कश्मीरियों को स्वायत्ता देने की बात की गई, नंबर दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ राष्ट्रवाद पर लेक्चर आप ना दे तो शायद बेहतर, आप इस बात का जवाब दे, अगर आप दे। मैं आपको जवाब देता हूँ, मिस्टर रोहित पटेल सज्जन आदमी है, मैं सर्टिफाइड करता हूँ कि एज अ पर्सन सज्जन आदमी है। उसका एक गरगंटी का फैक्ट्री है, इसमें कोई काम करता हो बाहर निकल के वो मर्डर कर दे वो आदमी, समझ लो तो वो मर्डर में इन्वॉल्व हो गए क्या? ये तो इनोसेंट आदमी है, ये तो इनोसेंट आदमी है। जी जी, देखिए अभी मैं कहता हूँ आपको, अहमद पटेल साहब वो अस्पताल में 2014 से ट्रस्टी उनको भी बोलने दीजिए, वो अभी तो है जो समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, ये डरा कर वोट क्यों लिया जा रहा है गुजरात में? डरा की बात ये, जी जी जी, आप राष्ट्रवाद की बात कर रही है कांग्रेस, तो जेएनयू में जब ऐसा बोला गया कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तो उसके साथ राहुल जी क्यों बैठे? राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे उन लोगों के साथ राहुल जी क्यों बैठे? कांति भाई जवाब है आपके पास इसका? जब जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी तब कांग्रेस का रुख देश ने देखा था सर। जिसने ऐसी नारेबाजी की, आप तो चैनल चलाते हैं बराबर है, एक ऐसा एविडेंस लाके दीजिए कि जिसने ऐसी नारेबाजी की कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ऐसी नारेबाजी करने के बाद वाले के साथ राहुल जी खड़े, एक ऐसा एविडेंस लाके देखिए हीरे कहा था, हीरे को कांच करने से की आजादी की बात कर रहे थे उस दौरान राहुल गांधी, आप आजादी वो आप पूरी बात सुनिए, उसने क्या कहा कि देश में आजादी चाहिए जी, देश से अच्छा, नहीं। तो आप देखिए यहाँ फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं जेएनयू में जो हुआ, नहीं उसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद पर लेक्चर आप लोग ना दें। काउंटर आंसर कर रहा हूँ मिस्टर, आप सुनिए, गलत बात तोड़ मरोड़ के उसको सत्य को रजू किया गया। अच्छा, नहीं होना चाहिए ना ऐसा, नहीं डरा के वोट नहीं लेने चाहिए ना, यही तो बीजेपी के मेरे दोस्तों ये बीजेपी कर रही है, कर रही है के वक्त। रोहित पटेल आप लोग कर रहे हैं क्या, डरा के वोट आप लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं? अफजल को किसने पकड़ा? अफजल की फांसी के बाद जिसकी आंखों में से आंसू निकले वो उनके ही प्राइम मिनिस्टर थे, और वो बोले कि अफजल की जो फांसी दी गई उससे हमें दुख हुआ है, वो बोले तो अफजल जैसे आतंकवादी को फांसी देने से जिसको दुख हो रहा है, ये सांप्रदायिकता। अफजल को कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा, अफजल को फांसी पे हमने लटकाया, आप सुनिए, अफजल को हमने कसाब को हमने पकड़ा, कसाब को हमने लटकाया, साल की एंटी इनकम्बेंसी है आपके पास, इतना अच्छा मौका है लेकिन आप लोग ये मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नौ तारीख और 14 तारीख को सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये पब्लिक और बीजेपी की लड़ाई। पब्लिक को क्यों लड़ा रहे हैं? आप एक बात बताइए ना राजेश जी, रोहित जी आपसे मेरा सवाल है, आप लोगों को क्यों लगता है कि ये जो भी बातें होती हैं इसमें कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे? कांग्रेस का हाथ में यहाँ के माधव सिंह सोलंकी खाम थियरी लाए, आज 2017 में ये
व्यक्तिगत होने वाली बात नहीं है, खाम थ्योरी तो आई थी ना, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम, माधव सिंह सोलंकी 1985 में 149 सीटें, अब आप फिर से वही कर रहे हैं, फिर बांट रहे हैं लोगों को। देखिए 149 आ गए यहाँ का गुजरात के अंदर, गुजरात को आजादी के पहले भी नेतृत्व पाटीदार समाज ने दिया, सरदार साहब ने दिया, वीर विठल भाई ने दिया, क्या 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 दिया, विद्यानगर विद्यानगर वोट के लिए बांट रहे हैं ना लोगों को, भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे आप बांट रहे हैं। एक बार चलिए लोगों से एक बार पूछ लेते हैं, चलिए मैं आपके पास आता हूँ। देखिए बहस की जो शुरुआत की गई थी वो राष्ट्रवाद को लेकर थी, राष्ट्रवाद बनाम विकासवाद बनाम वंशवाद बनाम जातिवाद, जो चिट्ठी सामने आई है, क्या राष्ट्रवादी होना क्या गुनाह है क्या, मेरा आप सभी से सवाल है। राष्ट्रवादी होना गुनाह नहीं है, लेकिन कब कांग्रेस है तो हाँ, रमेश नेहरू जिंदाबाद, इंदिरा जिंदाबाद, राजीव जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद, राष्ट्रवादी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बताइए राष्ट्रवादी गुनाह नहीं है, कभी अब सीखे वो भारत माता की जय बोलना, अब सीखे गुनाह नहीं है भाई, आप बताइए राष्ट्रवादी। वो लोग अपने नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लगाते, वो अपने आप को राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी गुना नहीं है, राष्ट्रवादी। अच्छा चलिए एक और सवाल, एक मिनट सुन लीजिए जी जी, मेरा ये सवाल आप दोनों से है, कोई पार्टी विशेष से नहीं, इन चुनावों को क्या गुजरात में चुनावों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है, हाँ या ना, क्या गुजरात कांग्रेस द्वारा की जा रही है, कांग्रेस हर बार एक ही मुद्दे पर लिखती है, भाग पड़ो और राज करो, उसके अलावा उसका कोई मुद्दा नहीं है। हमने तो सद्भावना रैली की है और पूरे गुजरात में सभी समाज के साथ लेकर चल रहे हैं, किसी के किसी को भी, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में थे, ये लोग आज मान रहे हैं और आज उनको ये सोच आ रही है 60 साल के बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 556 रजवाड़े एकत्र कर कभी नाती जाती नहीं देखी थी, आज ये लोग कह रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद गुनाह नहीं, आप हमें क्या राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट। सर वो बोल रहे हैं कि हम गौरव यात्रा लेकर निकले थे, गौरव यात्रा क्यों लोगों ने टिकने नहीं दी, हमारे राहुल जी पूरे मेले में पार। अच्छा राहुल जी का जिक्र बार बार हो रहा है, आप लोग तो सॉफ्ट हिंदुत्व पर थोड़ा चल रहे हैं ना, थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, फिर इस तरह की अगर बातें सामने आ रही हैं, राष्ट्रवादी ताकतों को अगर इस तरह से कहा जा रहा है कि वो देश के लिए खतरा है, तो आप लोगों को विरोध करना चाहिए। इसका इसका मैं आंसर देता हूं आपको, उनको भी बोलेंगे वो आपके पीछे, वो भी बोलना चाह रहे हैं। प्रलय हुआ तो राहुल जी गए थे तब उसको दिखाई नहीं दिया, तो मजबूरी समझ में आ रही है ना कि हिंदू वोटों की भी जरूरत है, सॉफ्ट हिंदुत्व जरूरी है। कंटिन्यू रिपोर्ट, अथॉरिटी नहीं ली भाजपा में, सभी मंदिर में जाने की अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो आप लोगों को क्यों डर सता रहे हैं कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, चुनावों के टाइम जा रहे हैं क्या, चुनावों के टाइम जा रहे हैं आरोप आप लोगों पर। देखिए आप लोग ये जो बातें कर रहे हैं इससे हो सकता है वोट मिल जाए लेकिन शायद लोग लड़ जाएंगे आपस में, धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बांट रहे हैं, हो सकता है कल को आप जीत जाएं, हो सकता है कल को आप जीत जाएं, लेकिन समाज को बांट रहे हैं आप। हम लोग को जीतना है, हम जीतना नहीं चाहते, देखिए आप लोग ये लोगों का काम, जातिवाद का जहर तो आप लोग घोल रहे हैं, आप लोगों पर आरोप है कांग्रेस पार्टी पर, जातिवाद का जहर तो आप लोग घोल रहे हैं चुनाव, आप लोग पटेल ओबीसी एससी एसटी खाम खास ये जो सारी चीजें कर रहे हैं। हमारा पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सर्वधर्म समभाव लिखा है, बिफोर फ्रीडम की पार्टी है, 1885 में स्थापित हुई है, अमल नहीं कर रहे हैं सर, आप लोग अमल नहीं कर रहे हैं, पंचनिष्ठा में भी वो है, पटेल जी ये लेकिन आप थोड़ी बहुत खिला रही है, लेकिन थोड़ी बहुत, एक मिनट सर, हम तो जीतने वाले हैं, एक मिनट मंदिर क्या याद कर, लेकिन थोड़ी बहुत घबराहट तो शायद आप लोगों के अंदर भी है, 50-50 मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी 27 तारीख से आ रहे हैं, तारीख से आ रहे हैं, थोड़ा वोट बैंक खिसकने का डर तो आप लोगों को भी है, पूरी फौज उतार दी है, अभी 27 तारीख से पड़ रहा था 50 तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, 50 मंत्रियों की फौज उतार दी, बोखला तो कांग्रेस गई है, भरत भाई सोलंकी की नीचे क्या कार्यकारी प्रमुख बनाने पड़े, नहीं नहीं मतलब सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, रमन सिंह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री। माननीय श्री भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि चार जोन में चार वर्किंग प्रेसिडेंट होने चाहिए ताकि काम का विकेट निकल आए, हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास सेवा है, भरत सिंह सोलंकी सेवा का वारिस है। आपका चेहरा कौन है सर,
आपका चेहरा कौन? ये तो गाड़ी घुमाने वाले पार्टी का चेहरा कौन है? ड्राइवर ही दिखते हैं। आप लोग भरत सिंह सोलंकी की बात कर रहे हैं, आपका चेहरा कौन है? कांग्रेस के लिए गुजरात पूरा पक्ष है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है, ये सुविधा अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव करते रहते हैं ना। नेवर 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 कोई लेना देना नहीं है। 75 में कटोकटी हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मुख्यमंत्री नहीं है, एक ही परिवार से प्रमुख आते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इस चिट्ठी में जिक्र लिखा हुआ है कि देश की धर्मनिरपेक्षता नहीं है। इस चिट्ठी में लिखा गया है जो जारी की गई है कि देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र खतरे में है, राष्ट्रवादी ताकतों से बचे। ये सर सेकुलरिज्म जो शब्द है इसका बहुत इस्तेमाल हो चुका है चुनावों में, धर्मनिरपेक्षता शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ, फिर से इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। तो कब तक वोट लेंगे आप धर्मनिरपेक्षता के? किसको फायदा होगा? मेरा सवाल है, माहौल खराब होता है सर इन चीजों से। साहब जी, आप जैसे आप अहमदाबाद में लोगों के घरों के बाहर मुस्लिम क्रॉस रेड निशान लगाए गए थे, अब ये चिट्ठी सामने आई है, सर माहौल तो खराब होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन गुजरात में आते हैं तो ऐसे लेटर बॉम्ब आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, क्या आतंकवादी पकड़े जाते हैं? तभी तक कोई आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। ये अमित शाह को मारने आए, मोदी जी को मारते हैं, और ऐसा पकड़े जाते हैं खुले छोड़ दो, कोई नहीं अस्पताल के ट्रस्टी अहमद पटेल रहते हैं। देखिए दूसरी बात, ये लेटर का बोल रहा हूँ, जैसे हम धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बताइए ना क्या होती है। आप लोग बार बार धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, परिभाषा क्या होती है बताइए ना, मुझे नहीं पता। चलिए क्या होती है, क्या डेफिनेशन? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है परिभाषा। आप लोग सुविधा अनुसार परिभाषा करते हैं। मैं मेरी जेब में से कोई चिट्ठी ऐसे निकाल दूं और बोल दूं कि ये हो गया, यहाँ गुजरात में ऐसा लेटर बहुत होता था। इतने ना समझ रहे हैं, टेररिस्ट बड़े नेता है, क्योंकि लेटर का लड़ते भूल गया। देखिए यहाँ कभी टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो टेररिस्ट गर्म हो रहे हैं। आप बताइए ना, ये तो आपको बैठने का मुद्दा मिल गया। जब जब राष्ट्रवाद की चर्चा होती है आप लोग फायदे में रहते हैं, तो उनको तो शुक्रिया कहिए ना आप, वो आपको मुद्दा दे रहे हैं बैठे बैठे। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो कोई पॉलिटिकल फायदे की बात हम नहीं करते। हमारे वहाँ फायदा तो होता है, दल से बड़ा देश, एक बार भारतीय जनता को मिला के दल से बड़ा देश हो गए। चलिए विशाल, मैं चाहूंगा क्योंकि हम आनंद में हैं, क्या आनंद के लोग ये बता पाएंगे यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या लोगों के जहन में है, क्या सोचकर वो लोग वोट करने जाएंगे? देखिए आनंद में रोड, रास्ते, पानी, बहुत सारे प्रश्न हैं। महिलाओं में बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, जो विधवाओं का पेंशन था वो सब वोट लेते हैं। क्या चुनाव बोलने दीजिए भाई, यहाँ पे बरसों से आनंद और खेड़ा अलग हुआ है, पर यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल नहीं है, बातें चलती है, आएगा खाद मुहूर्त करते, पर वास्तविकता में जो आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार के द्वारा सुविधा नहीं है यहाँ पर। रहने के लिए घर नहीं, और वो विकास की बात कर रहे हैं, कहाँ से विकास होगा? तालाबों का विकास कर रहे हैं। मैं लोगों से बात कर रहा था, लोग बता रहे थे कि यहाँ पर थोड़ी समस्या है, यहाँ पर चार सीटें कांग्रेस के, भारत सिंह सोलंकी 2015 में ठीक है मैंने इसलिए बोला है, लेकिन नाराजगी है थोड़ी। सिटिंग एमएलए तो कांग्रेस के नए से चार, थोड़ी नाराजगी तो है, वो आप लोगों को भुगतनी पड़ सकती है। नहीं, नहीं, ये नाराजगी जो है ये पर्टिकुलर आनंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी है, उससे ये आपका जो प्रोग्राम है ना गेम ऑफ गुजरात, ये भाजपा का गेम ओवर हो गया, यहाँ गेम ओवर हो गया। और चार सीटें जो आपके पास है, चार सीटें जो आपके पास है उसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि पहले विकास पर चुनाव लड़ने की बात की गई थी, लेकिन अब जातिवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस। आप लोग समझदार हैं कौन इसके पीछे है। आज गेम ऑफ गुजरात में अभी फिलहाल इतना ही, कल भरूच से 7:55 पर जरूर देखिएगा गेम ऑफ गुजरात। बहुत बहुत शुक्रिया।